गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अर्पिता मिश्रा, अटेंडिंग क्लास 5 बाय स्कॉलर जूनियर कॉम्पिटिशन स्कूल। माय फादर नेम इज तरुण मिश्रा, इज बिजनेसमैन। माय मदर नेम इज अर्चना मिश्रा, शी इज हाउस वाइफ। माय हॉबी इज प्ले बैडमिंटन। आई वांट टू बी अ सिंगर, इट इज माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दुष्ट का विनाश। किसी वन में एक बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपने परिवार सहित घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखला था जिसमें एक काला नाग रहता था। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, वह काला नाग उन्हें चुपचाप खा जाता था। इनसे कौवा और उसकी पत्नी बड़े दुखी रहते थे। उन्हें डर लगा रहता कि किसी दिन तो काला नाग उन्हें भी मार सकता है। इस तरह उनका वंश तो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। कौवा दूर एक अन्य वृक्ष के नीचे कौवे का मित्र गिद्ध रहता था। वह बड़ा बुद्धिमान था। एक दिन जब कौवा ने उसे अपने दुख और डर का कारण बताया, तो गिद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। इस शत्रु से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि उपाय का प्रभाव शत्रु से भी अधिक प्रभावशाली होता है। तुम ही बताओ मित्र, इस दुष्ट काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय करूं? कौवे ने बड़ी आशा से गीदर से पूछा। इस पर गीदर ने उपाय बताते हुए कहा, राजमहल से एक सरोवर है। राजकुमारी प्रतिदिन सुबह सुबह उस सरोवर में स्नान करने जाती है। राजकुमारी जैसे ही अपने आभूषण उतारे, तुम उसके से चुपके से मोतियों की माला उठाकर उड़ जाना। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो, माला को काले नाग के बिल में डाल देना और स्वयं अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल में माला मिलने पर उसको मार डालेंगे। अगले दिन कौवा सुबह सुबह राजमहल की ओर उड़ चला। राजमहल में सरोवर के किनारे उसने राजकुमारी के गहने रखे देखे। राजकुमारी सरोवर में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा और मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देख दासिया चिल्लाने लगी, कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। कौवा का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा। सेवकों ने अपने भाले से खोद कर मार डाला और माला लेकर चले गए। काले नाग के मारे जाने पर कौवा का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगे। थैंक यू।